आज हम बनाएंगे फ्रेश अंजीर का हलवा। इसके लिए मैंने ताजी अंजीर ले ली है। इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अब इसे एक मिक्सर जार में डाल लेते हैं और पेस्ट बना लेते हैं। यह हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम घी गरम करते हैं। जब घी गरम हो जाएगा तब इसमें थोड़ा सा रवा डालते हैं। रवे की मात्रा एकदम थोड़ी सी ही ली है, ये लगभग 2 चम्मच लिया है। अब इसे धीमी आंच पर हमें पकाना है। जब इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लग जाएगी तब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। आप यहाँ कोई से भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं काजू और किशमिश डाल रही हूँ। इसे भी हम थोड़ा सा घी में पका लेंगे। अब इसमें हम अंजीर की जो हमने पेस्ट तैयार की थी वह डाल देते हैं। धीरे धीरे हमें भूनना है। लगातार इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। जब यह सीककर तैयार हो जाएगा तब इसमें हम शक्कर डालते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो शक्कर अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अंजीर की अपनी एक मिठास होती है। पर मैं थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी शक्कर डाल रही हूँ। लगभग शक्कर हम उतनी ही डालेंगे जितना हमने रवा डाला है। अब इसमें एक कटोरी मलाई डाल रही हूँ और इसे भी पका लेती हूँ। मलाई डालने से हलवे का स्वाद और बढ़ जाएगा। ये मैं फ्रेश मलाई ही ले रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से पका लेते हैं। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ
इसे शेयर भी कीजिए। इसे आप मध्यम आंच पर ही पकाते रहिए। ये देखिए, हलवे से घी अलग हो गया है, इसका मतलब हमारा पूरा हलवा पककर तैयार हो गया है। लीजिए, बस हलवा तैयार हो गया है, झटपट गर्मा गर्म हलवा खाइए।